हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये है जब मैं अपने मायके जा रही थी होली मनाने के लिए, तब की ये वीडियो है। और ये है माता मंदिर। ये माता मंदिर से होके हम लोग जा रहे हैं। और आज की जो वीडियो है, आप लोग सोचेंगे मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं भोपाल भी दिखा रही हूँ आपको इसमें, और कुछ भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी के जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, मटके वगैरह, मूर्तियाँ और जो गुल्लक वगैरह होती हैं वो, और गमले वगैरह, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी मैं आपको आगे वीडियो पे बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो फिर पूरा वीडियो जरूर देखिए आप लोग। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और वैसे तो टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर वीडियो है, लेकिन इससे पहले जो है कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अभी आज जो है शुक्रवार है और मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है और खाना भी बन चुका है, सब काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज जल्दी उठी थी सुबह, और आज शुक्रवार के दिन थोड़ी हेल्प कर देते हैं ये, मतलब कुछ भी काम में, तो इन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी थी, तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया था। किट्टू को भी मतलब पकड़ लिया था उन्होंने, तो मैंने फटाफट काम कर लिया था। और उसके बाद अब जो है मैंने ना कंघी वगैरह कर ली है, पूजा करने के समय तो ऐसा आई और फटाफट पूजा करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी 12 बजे उससे पहले जो है मैं पूजा कर लूँ, तो इसलिए उस टाइम पे कुछ नहीं, बस गीले बाल थे, ऐसे ही आए, पूजा की तैयारी करी, पूजा कर ली। पूजा कंप्लीट होने के बाद में मैंने बालों पे अभी जो लगाया है वो लगाया है सीरम, सीरम नहीं क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्स का सीरम, स्ट्रिक्स का होता है ना, स्ट्रिक्स ऑयल, तो वो मैंने लगाया है बालों पर। और मैंने कंघी कर ली है, मांग भी भर लिया है, बिंदी भी लगा ली है, और ये मैंने ना ये आई लाइनर लगाया है, पेंसिल वाली आईलाइनर है तो वो लगाया है, और मैंने लिप बाम लगाया है, और थोड़ा सा मैंने लगाया है फेस पाउडर और मॉइस्चराइज़र, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, काजल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है मॉइस्चराइज़र और फेस पाउडर, और ये है लिप बाम। और मैंने लगाया आई लाइन इसलिए लगाया है क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी लग रही थी, और वो सामने रखा हुआ था तो मैंने बोला लगा लेती, इसलिए मैंने ऊपर ऊपर देख सकते हो मैंने उसे पतली पतली लगाई है, ज़्यादा ऐसी कोई गाढ़ी नहीं लगाई है बस। और बिंदी तो नॉर्मल सब करते हैं, और मॉइस्चराइज़र भी सभी करते हैं, लिप बाम भी सभी लोग लगाते हैं, और मांग भी सभी भर देती है, तो कोई स्पेशल तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो बस यही मेरा अभी किया है। और इसके अलावा जो है वीडियो जो है मैं टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ, ठीक है। तो मैं घर जा रही थी अपने मम्मी पापा के घर पे ना, तो रास्ते में क्या हो रहा था कि बहुत जगह जो है ना खुदाई हो रही, अभी नहीं बहुत टाइम से हो रही, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार देखा है, मैं बहुत बार आई गई हूँ, बहुत बार देख रही हूँ कि वहाँ पर जो है काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी जो है ना हमारे भोपाल में स्मार्ट सिटी बन रही है, तो उसके लिए जो है ना जगह जगह जो है पुराने जो घरें हैं, जो सरकारी क्वार्टर जो खाली पड़े हुए थे पुराने, उनको हटाया जा रहा है, और जो पुराने जो जो घर के जो रोड के बगल में जो झुग्गियाँ वगैरह हैं वो हट रही हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको घर नहीं दे रहे हैं, सरकार उनको घर भी दे रही है रहने के लिए, और कोई भी गलत नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, तो नहीं कर रही है गलत, उनको अलग से जगह दी जा रही है रहने की, और किसी को बेसहारा नहीं कर रहे हैं वो, तो स्मार्ट सिटी के अंदर आ रहा है, तो लोग जो रोड के पास में जो खाली खाली जो घर पड़े थे जो सरकारी क्वार्टर को, वो लोग हटा रहे हैं, और उसको हटाने के बाद जो सड़क है उसको चौड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, भोपाल बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना फैलते जा रहा है, दिन जहाँ पे जंगल था वहाँ पे अब मतलब लोग बाग रहने लगे हैं, अच्छे अच्छे घर बन गए, एक हिसाब से अच्छा भी लगता है और एक हिसाब से बुरा भी लगता है कि हमारी मतलब पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम जो है हमारे यहाँ, जब हम लोग शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे भोपाल में, तो जहाँ पे अभी मेरी मम्मी लोग रहती हैं कोलार में, जिस एरिए में रहते उस एरिए में ना मुश्किल से उस तरफ तो कुछ था ही नहीं, उस तरफ पूरा जंगल जंगल था, खाली सा था, और वहाँ पे रोड भी उस समय कच्ची होती थी, उस समय ऐसी वो वाली, अभी तो अच्छी खासी रोड बन गई, मतलब उसी टाइप की रोड थी पर कच्ची थी, मतलब ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं चलते थे उस समय, तो इतनी ज़्यादा किसी के पास बाइक वगैरह भी नहीं होती थी, कार वगैरह भी नहीं थी, जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं के पास थी, बस भी उस तरफ नहीं जाती थी, तो उस टाइम पे ना मतलब बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब उस एरिए पे जाओ तो नया भोपाल किला जाएगा, क्योंकि उस तरफ इतनी अच्छी अच्छी मतलब सुविधाएं हो गई हैं ना, जो शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि हो पाएगा, तो
आज बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा जो तरक्की कर रहा है, मतलब भोपाल बहुत ज़्यादा तरक्की, भोपाल बिल्कुल नया भोपाल हो गया, दिल्ली बॉम्बे बॉम्बे उस तरीके से उसी के मतलब उनके मुंबई की बात तो अलग है लेकिन उनके लेवल पे मुझे ऐसा लगता है एक दिन पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी जो है ना सुविधाएं मिलने लगी भोपाल में भी, बहुत लोग बाग मुंबई से दिल्ली से और बहुत जगह से देश विदेश से भी लोग अब आके रह रहे हैं भोपाल में, काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं और यहाँ से भी लोग बाग जा रहे हैं बाहर, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। तो स्मार्ट सिटी जो है बनने में है और जहाँ मैं रह रही हूँ ना तो वो भी जो है हटने का चल रहा है, तो मुझे जो था एक बुरा लग रहा है क्योंकि मैं आई हूँ जब से मैं इधर हूँ, वो सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को बुरा लग रहा है क्योंकि सब लोग जो है यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं, उनके मम्मी पापा यहीं पे रहे हैं, उनके दादा को बहुत बुरा लग रहा है। मेरे ससुर जो है रिटायर हुए हैं, वो तो उनका तो उन्होंने घर बना लिया नीलगढ़ में, तो वो वहाँ जा रहे हैं और हो सकता है हम लोग भी जाएंगे, बट अभी हम लोग यहीं रह रहे हैं क्योंकि हमारी दुकान है, हम दुकान छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये भी हटने का चल रहा है। तो ये हटेगा तो हमें कहीं और जो है सरकार देगी घर, पर ये है ना कि जहाँ आप रहने लगते हो तो वहाँ अच्छा लगता है, और सुविधाएं जो है भले एक कमरा हो या जैसा भी हो पर सुविधाएं अच्छी होती है वहाँ पे। क्या है कि बिल्डिंगें मिलेंगी, एक तो होता है ना सरकारी जो बना के देते हैं मल्टियाँ बना के दे रहे हैं गवर्नमेंट, मल्टियाँ बना के देती है, तो मल्टियों में रहने में ना दिक्कत ही होती है क्योंकि सब गंदगी लोग, कुछ ये नहीं कह रही हूँ सब जगह गंदी होती, कुछ लोग अच्छे होते हैं तो वो साफ़ सफाई से रखते हैं, एक कॉलोनी जैसा मिलजुल के पैसे लगाते हैं और अच्छे से सफाई रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं करते हैं, उन लोगों और लड़ाई करते हैं, अगर उनसे बोलो तो लड़ाई करते हैं। तो यही है अभी तो ऐसा कि आप अपने घर के आसपास सफाई कर सकते हो, वो मल्टियाँ होंगी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो आप अपने घर के अंदर सफाई कर सकते हो, लेकिन घर से बाहर निकलोगे सामने वाले घर के सामने गंदगी रहेगी, तो मतलब ये सब चीज़ें ना सोच सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब कि अरे वो कैसा माहौल होगा, कैसे लोग रहेंगे, तो ये सब चीज़ें क्योंकि अभी तक रहे नहीं हैं, हम कभी गए भी नहीं हैं, तो अजीब सा लग रहा है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा जो लगता है ना बुरा लगता है, और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ यहाँ से कहीं और, तो सोच सोच के मतलब वो लग रहा है, पर क्या करें आप जब ये जगह हमारी तो है नहीं, ये सरकार की है और सरकार कुछ भी कर सकता है उसमें, कुछ अच्छा ही कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन अगर बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं और वो रहा है कुछ लोग यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं ये ना हटे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब तो कह रहे हैं, बाकी अब देखो आगे चल के क्या होता है, लेकिन अभी मैंने आपको जो थोड़ी सी वीडियो दिखाई, थोड़ी सी और वीडियो जो है मैं अभी एंड में जो है ऐड कर दूंगी, उसमें आप देखिएगा कि रोड में जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो न्यू मार्केट के पास में और भी जगह बहुत जगह है, लेकिन मैं मेरा ज़्यादातर आना जाना न्यू मार्केट से कोलार तक का ही होता है, तो मैंने यहाँ तक की वीडियो बनाई है, तो कुछ कुछ वीडियो जो है मैंने निकाल ली है, तो वो वीडियो कुछ मैंने स्टार्टिंग में लगा दी, कुछ मैंने एंड में लगा दी, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ दिनों में हो सकता है कि हम लोग भी यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, जब तक हैं तब तक रह रहे हैं अच्छे से और देखते हैं उसके बाद कैसा क्या माहौल रहेगा, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम खुद से अलग से अच्छी जगह पर घर ले सकें, हमारा इतना बजट नहीं है, हम जहाँ रह रहे हैं और अगर ये ही हमसे छीन लिया जाएगा तो हमें कहीं और दिया जा रहा है तो हम वहाँ जाके रहेंगे, इस तो उस माहौल में हमें ढलना पड़ेगा, हमें उस माहौल में जाके जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, कहते हैं ना इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है, हमारे हम ही नहीं बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो एडजस्ट करेंगे, तो वही है अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं ना। अपने बच्ची को नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जगह रहे, अच्छे माहौल में रहे, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसों से ही आजकल सब कुछ हो सकता है, पैसों से ही आप अच्छा सा एक घर ले सकते हो ताकि उस पर आप अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रह सको, तो अभी तो नहीं है ये सब कुछ, तो मैंने यूट्यूब जो ज्वाइन करी है, मैं सोची हूँ कि जल्द से जल्द जो है थोड़ा सपोर्ट मिल जाए लोगों का और अच्छे से मैं रह सकूँ, अच्छा सा मेरा कम से कम एक खुद का अच्छा सा घर हो, सबके यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक घर होना चाहिए खुद का, जिसे वो कह सके कि हाँ ये मेरा घर है और ये घर है बट ये मेरा नहीं है, मतलब रह तो रही हूँ मैं लेकिन ये मेरे ससुर का घर है, और फिर ये कभी भी यहाँ से हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरा ही है, इसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, कभी भी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, हमें कहीं और भेजा जा सकता है, तो क्योंकि ये तो ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो चल रहा है यहाँ पे ये हटने का चल रहा है, तो टेंशन में बहुत ज़्यादा हैं हम लोग,
और क्योंकि हमारी ही दुकान है और एकदम से फिर दुकान यहाँ से हटेगी, फिर दूसरी जगह जाके पता नहीं वहाँ और क्वार्टर, वो तो सरकारी क्वार्टर, मैं ये सॉरी क्वार्टर बोल रही हूँ, सरकारी मल्टियाँ होंगी वहाँ पे, तो हमें छोटा सा ज़्यादा बड़ी जगह मतलब स्पेस तो मिलेगा नहीं कि हम वहाँ दुकान खोल सके। दुकान के लिए फिर अलग से हमें जगह लेनी पड़ेगी, अलग से कमरा लेना पड़ेगा, रेंट से लेना पड़ेगा, और इतना बजट नहीं है हम लोगों का। तो वही सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, कि या तो हमें दुकान बंद करना पड़ेगा या कहीं जॉब वॉब करना पड़ेगा मेरे हस्बैंड को। अब देखते हैं हालात कैसे होते हैं, बट होता है ना इंसान सोच सोच के डर लगता है कि भाई अब आगे क्या होगा। और जहाँ मेरे ससुर लोगों ने घर बनाया है वहाँ जो है वो थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है, वहाँ पे नहीं हम कॉलोनी एरिया है, वहाँ पे छोटी सी दुकान से क्योंकि लोग बाग क्या होते हैं, बड़े घरों के लोग क्या होते हैं, एक साथ जो है मॉल वगैरह से या खरीद के सामान ले आते हैं, वो लोग नहीं कर लेते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें के लिए दुकान पे। पर फिर भी चलेगा, पर इतना नहीं चलेगा जितना यहाँ चलता है, क्योंकि यहाँ नीचे झुग्गियाँ हैं और सभी लोग जो है यहाँ से महीने का किराना जो है वो लेते हैं। तो वहाँ पे कॉलोनियों से तो कोई महीने का किराया ले, किराना का जो सामान है वो लेगा नहीं छोटी सी दुकान से। तो ये पर ले भी सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं, ले भी सकते, पर थोड़ा होता है ना कि कॉलोनी एरिया में छोटी सी दुकान कैसे चलेगी। तो अब वही चीज़ है ना कि भाई हम सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, अब देखो क्या होता है। पर टेंशन तो होती है ना, हर किसी को टेंशन होती है कि कोई भी क्या होगा आगे चल के क्या होगा। एक अगर अच्छी सी जगह होती तो हम लोग वहाँ पे जाके अपनी दुकान खोल सकते थे अच्छे से, पर पैसे नहीं है हमारे पास और कुछ इनकम भी मेरी अभी नहीं हो रही है यूट्यूब से। मैं बहुत टाइम से मेरी कम से कम 60-70 वीडियो, 60 से ऊपर वीडियो मेरी हो चुकी है, 70 तो नहीं पर 60 से ऊपर वीडियो हो चुकी है, 70 होने वाली है, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मेरे हो गए हैं, बट इतने मेरे को जितना मैं चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है। पर ठीक है, धीरे धीरे होगा। मेरे को टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है वीडियो पर बनाते हुए, क्योंकि एक चैनल मैं बंद कर चुकी हूँ, उसको भी मैंने 1.5 साल वीडियो कर 1,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो चुके थे, और इस पे भी मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रही हूँ, बीच में मैंने बंद भी कर दिया था प्रेगनेंसी के कारण, लेकिन फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक कहते हैं ना कोई बड़ा यूट्यूबर सपोर्ट कर देता, बट नहीं हो पा रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं बस इसी के भरोसे ही हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि कुछ थोड़ा हो जाए, थोड़ी तो हेल्प हो जाएगी, मतलब इतना तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी तो हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ को भी थोड़ा बहुत तो अपना खुद का करना चाहिए, ताकि कम से कम घर का खर्चा जो है वो चल जा सके, ताकि थोड़ा बहुत पैसे जो है हम लोग सेव कर सके आगे कुछ चीज़ों के लिए। कुछ हम लोग चाहें तो हम खरीद सकते हैं या कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए। तो अब देखो क्या होता है। तो बस यही था आज का वीडियो, भाई मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि हम लोग अभी एक और टेंशन जो है हमारे आ चुकी है, एक के बाद एक टेंशन जो है ना लगी हुई अभी, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या होगा। बस तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, मैंने सोचा था कि जब आप लोगों को फैमिली मान ही लिए तो आपसे हर बात शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर करी है। और बताइएगा आप लोग कि मैं क्या करूँ ऐसे टाइम पे, क्या करना चाहिए। और बस ये है ना, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, आप लोग कमेंट पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी सारी टेंशन जो है दूर हो जाती है। हो सकता है आप लोग अच्छे कमेंट करोगे तो मुझे उससे मुझे जो है थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और मेरी टेंशन जो है दूर होगी। तो गाइज इसी तरह मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बस और कुछ क्या, और क्या बोल सकती हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, जो मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। कुछ लोग जो है डिसलाइक कर रहे हैं मेरी वीडियो को, पता नहीं क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है उनको उनकी नज़र में मेरी वीडियो अच्छी नहीं होगी, पर मिडिल क्लास फैमिली है ये मेरी, और मिडिल क्लास ही ब्लॉग आते हैं मेरे, कोई बड़ा तो कुछ है नहीं है। अगर छोटे सी चीज़ों को ही मैं दिखाती हूँ, अगर वो चीज़ें अगर आपको बुरी लगती है तो उसके लिए मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो पता नहीं क्या क्या बोल दूँगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ। आगे जो है वीडियो आप लोग देख लीजिए, कुछ वीडियो और जो है मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आगे की वीडियो और आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो फिर वीडियो देख लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज ये है न्यू मार्केट, और ये थोड़ा पीछे का एरिया है, ये सामने के जो एरिया है वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई थी, बट पता नहीं क्या हुआ वो कट गया। तो ये जो आगे की जो वीडियो ये जो है सेव थी, तो मैंने ये ऐड कर दी है। तो अभी मैं आपको आगे जो दिखाऊंगी कहाँ पे काम चल रहा है अभी,
स्मार्ट सिटी के लिए अभी कहाँ काम चल रहा है। वैसे तो सभी जगह चल रहा है, जगह जगह, पर जो जहाँ की मैंने वीडियो बनाई मैं वो आपको दिखाऊंगी। ये अभी हम लोग सिग्नल पर रुके हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे काम चल रहे हैं, कुछ बिल्डिंगें वगैरह जो है वो बन रही हैं, मॉल वगैरह, दुकान वगैरह जो होते हैं ना वो सब बन रहे हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई, ये चादर लगी हुई है, चादर लगा दिया है इन्होंने सामने सामने। और ये देखिए बिल्डिंग के पीछे तरफ बिल्डिंगें बन रही है, और ये रोड देखिए खुदाई चल रही है, और बगल से जो है लोगों ने लगा के रखा। ये देखिए काम चल रहे हैं, गाड़ी वगैरह जो है खड़ी हुई है, आप खुद देख सकते हो। और रोड पर ही है सीमेंट, गिट्टी, ये वो सब चीज़ें जो है ना रखी हुई है, और पूरा खाली खाली सा लगता है, और अजीब धूल वगैरह मिट्टी वगैरह सब लगती है जब जाओ यहाँ से। पूरा काम चल रहा है यहाँ पे, और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे घर बने हुए थे और उन्हें जो है ना तोड़े हैं, सरकारी क्वार्टर बने थे। ये देखिए आप देख सकते हो, जो ये दिख रहा है ना गिट्टी भरी हुई है रोड में, यहाँ पे सरकारी क्वार्टर थे। तो ये तोड़ के इन्होंने बराबर लेवल में करके, पूरा लेवल में करके जो है इसको अब यहाँ पे जो है रोड बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे पहले ना पूरा भरा भरा सा लगता था, और अभी देखिए खाली खाली सा लग रहा है। और ये होली का दहन के लिए कुछ ये लोग न्यूज़ वगैरह जो है वो दे रहे थे वहाँ पे कुछ, कि भाई होली ना खेलें, कोरोना वायरस ये वो है ना, तो उस चीज़ के लिए बता रहे थे वो लोग। और सही में कोरोना वायरस से बच के रहिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है।